Hi, this is Bobby Deol. I support Skill India. Kaushal Bharat, Kushal Bharat. भारत के लिए सबसे पहली अगर कोई प्राथमिकता है रोजगार के योग्य नौजवान को तैयार करने के लिए हमारी आवश्यकता है ITI. मल्टीक्राफ्ट प्राइवेट ITI, गोविंदपुर धनबाद. एडमिशन ओपन. ट्रेड इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर. कॉन्टेक्ट नंबर 9431168747. गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं बैंड टीचर आज आपके लिए लेकर आया हूं फैन बाइंडिंग. जो फैन बाइंडिंग हम बताएंगे आज, बॉलीवुड सीलिंग फैन बाइंडिंग का ही चर्चा करेंगे कि सीलिंग फैन बाइंडिंग हम लोग करते कैसे हैं और उसमें क्या क्या होता है. ठीक है, तो सीलिंग फैन बाइंडिंग जो है हम लोग हाथों से भी करते हैं और मशीन के द्वारा भी करते हैं. ठीक है, और ये डिफरेंट तरह के सीलिंग फैन बहुत अलग अलग, कोई हाई स्पीड में सीलिंग फैन होते हैं, कोई नॉर्मल स्पीड के भी सीलिंग फैन होते हैं, कोई सीलिंग फैन कॉपर बाइंडिंग के होते हैं, कुछ अल्मोनियम के भी बाइंडिंग से बनाए जाते हैं. तो बहुत तरह के सीलिंग फैन होते हैं. तो आज जो हम चर्चा करेंगे सीलिंग फैन का ही चर्चा करेंगे. ठीक है, लेकिन सभी सीलिंग फैन आएंगे, हाई स्पीड का जिक्र हम नहीं करेंगे, हाई स्पीड को हम दिखाएंगे भी नहीं. तो देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी फैन बाइंडिंग का मशीन. ठीक है, फैन बाइंडिंग का मशीन को देखिए, ये फैन बाइंडिंग का मशीन है. इसमें दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक फैन बाइंडिंग जो कि बिजली से चलाया जाता है. कुछ लोग इस मशीन को क्या होता है, बिजली कट जाने के बाद अपने हाथों से घुमाकर भी चलाता है. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, रीडिंग रिनोट नहीं करेगा लेकिन वो रीडिंग नोट कर लेगा अपने वायर से. आप एक राउंड मशीन को मारते हैं तो उसमें रीडिंग कितना आता है. ठीक है, वो इस प्रकार से रिमोट कर लेगा तो बिजली जाने के बाद वो मशीन से वर्क करता है. तो देख रहे होंगे आपका पूरा मशीन का बनावट दिख रहा होगा कि मशीन का डिजिटल मीटर भी लगे हुए हैं मशीन में, हैंडल भी है और नीचे पोल भी फिट भी है. ठीक है, उसके बगल में वाइंडिंग वायर भी रखे हुए हैं, सारा चीज मशीन में दिख रहा होगा. ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. ठीक है, चलिए हम इमेज को हटाते हैं और हम चलते हैं अपने बोर्ड की ओर. तो देखिए बोर्ड में सीलिंग फैन की जनरल डायग्राम को दिखा रहे हैं. ठीक है, एक्चुअली जो सीलिंग फैन होता है उसमें दो तरह की वाइंडिंग होती है. ठीक है, एक अंदर भी किया जाता है. ठीक है, देखिए आपके स्क्रीन पे आ भी गया आपको जो कोर आया हुआ है अंदर में दिख रहा होगा एक वाइंडिंग, एक वाइंडिंग बाहर में दिख रहा होगा, कोर में दिख रहा होगा. ठीक है, एक लोहे का कोर है उसमें शाफ्ट लगा हुआ है, देखिएगा उसके ऊपर में एक अल्मोनियम कॉपर से लपेटा हुआ वायर होगा, अंदर में एक अलग से वायर होगा, दो तरह का वायर होगा. ठीक है, एक चीज आप देखिए, चलिए अपनी बोर्ड पे चलते हैं. जैसे बोर्ड में प्लग में कॉइल का हमको कोई नाम देना होगा, चलिए बाहरी कॉइल है अंदर अलग बनाएंगे, तो बाहरी कॉइल का हम नाम दे देते हैं रनिंग वाइंडिंग. क्या एक्चुअली आगे चलिएगा तो आपको इसके बारे में फिर से बताएंगे, रनिंग क्यों बोलेंगे, स्टार्टिंग क्यों बोलेंगे. कुछ लोग स्टार्टिंग को रनिंग बोलते हैं, रनिंग को स्टार्टिंग बोलते हैं, इस चीज का भी हम डिफाइन करेगा. तो चलिए एक कॉइल और हम बनाते हैं, ये भी हमारा एक कॉइल है. चलिए इसके हम इसको भी हम नाम देते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग. क्या ये दो वाइंडिंग हो गया, दोनों वाइंडिंग थे, हम लोग वाइंडिंग कर लेते हैं कोर में. ठीक है, तो देखिएगा एक तीसरा पिक्चर को हम दिखा रहे हैं, देखिए वाइंडिंग होने के बाद चार लूप दिख रहे हैं. ठीक है, चार लूप को हम कनेक्ट करेंगे. तो चार लूप कैसे कनेक्ट करेंगे, चलिए आप इसी इमेज पर डालते हैं और फिर बोर्ड पे आते. तो वाइंडिंग जब अंदर करेंगे जो अंदर रखिए उससे दो वायर निकला. ठीक है, फिर ऊपर में किए तो ऊपर से दो वायर निकला. तो इस तरह दो दो वायर चार वायर निकल गया. तो चार वायर के अंदर चारों का अलग अलग नाम होगा. ठीक है, चारों का अलग अलग नाम होगा, यदि उसका नाम नहीं हो तो आप उसका कनेक्शन भी नहीं कर पाएंगे. तो चलिए हम नाम दे देते हैं रनिंग का वन और रनिंग का टू, ये दो वाइंडिंग का नाम हम दे देते हैं. ठीक है, चलिए इसका भी नाम हम दे देते हैं स्टार्टिंग का वन और स्टार्टिंग का टू, या फिर आप स्टार्टिंग लिख सकते हैं और फिनिश भी लिख सकते हैं, स्टार्ट फिनिश, उसको भी स्टार्ट और फिनिश कर सकते हैं. रनिंग का स्टार्ट हुआ और रनिंग कॉइल फिनिश हो गया, मतलब कोई भी कॉइल को आप यदि वाइंडिंग करना शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग सिरा जो होगा होते निकलेगा ही. आप ऐसे मान ले 500 टन से 1000 टन जो भी हम लपेटे दिए तार में, तो वो एक समय अंत होगा. तो अंत होगा तो जब वहां से हम कट लगाएंगे तो दूसरा सिरा बन जाएगा. तो दूसरा सिरा जो बना उसका फिनिशिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं या फिर R2 भी हम लोग मान सकते हैं. ठीक है, यहां तक हम लोग कोई दिक्कत नहीं है. तो इससे इसमें भी होगा स्टार्टिंग का भी पाला दूसरा करेंगे. इतना होने के बाद अब आता है कनेक्शन की बारी. तो आप नाम को जान गए कि किसको क्या नाम से हम लोग जानेंगे. अब आता है कनेक्शन.
कनेक्शन जो होगा हमें कॉमन टर्मिनल पहले बनाएंगे जो मेरा कॉमन होगा। तो कॉमन कौन होगा? कॉमन वो टर्मिनल होगा जिसमें स्टार्टिंग का एक सीधा हो और रनिंग का एक सीधा हो, उसे हम लोग कॉमन बना लेंगे। क्या समझे? स्टार्टिंग का एक सीधा और रनिंग का एक सीधा को मिला के बन जाएगा मेरा कॉमन टर्मिनल। तो चलिए हम स्टार्टिंग रनिंग को मिला देते हैं। तो ये स्टार्टिंग रनिंग को मिला दिए, ठीक है, मेरा बन गया ये कॉमन टर्मिनल। नाम बदल देते हैं कॉमन, ठीक है, ये हम कॉमन इसे रेड वायर से भी हम लगा सकते हैं ताकि रेड वायर को हम लोग कॉमन मान लेते, ठीक है। इतना होने के बाद दो सिरा बच गया, तो दो सिरा का भी कुछ नाम हो गया। नाम इसका स्टार्टिंग का एक सिरा हो गया, रनिंग का एक सिरा हो गया, ठीक है। स्टार्टिंग का रनिंग का एक सिरा, स्टार्टिंग का सही का सिरा हो गया। इसके बाद क्या था, कुछ ऐसे फैन के कंपनी है जो कि अपने फैन वाइंडिंग से चार वायर को बाहर निकाल देते हैं। कुछ ऐसे कंपनी है जो वाइंडिंग करने के बाद चारों वायर को अपना बाहर निकाल देते, चारों को क्या होगा कि दो को एक कलर से दे देंगे, दूसरा को एक कलर से दे देंगे, ताकि आपको यदि शॉर्ट निकल के तीन बनाना हो तो दो अलग अलग कलर को आप लोग जोड़ देंगे। जैसे कि मान लीजिए रेड कलर से है और ये आपका ब्लैक कलर से है, तो दोनों को हम लोग जोड़ के एक कलर बना दिए, ठीक है। अब यहाँ हमारा रेड है, यहाँ हमारा क्या है, ब्लैक है, ठीक है। हम बोले ना अलग अलग रंग कलर को चेंज करेंगे, रेड और ब्लैक को है। अब ये जो दो टर्मिनल था इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, कैपेसिटर, जो कि करंट का मान को ब्यूटी लाता है। इसी वजह से मेरा सीलिंग फैन चलता है। यदि कैपेसिटर नहीं लगाएंगे तो भी मेरा सीलिंग फैन चलेगा। उसके लिए क्या करना होगा, अपने आपको हाथों से सीलिंग फैन को घुमाना होगा या फैन को घुमाना होगा किसी भी हाल में, और जितना स्पीड से हम घुमा पाएंगे मेरा पंखा उतना ही स्पीड से चलेगा। ये चीज को भी मान कर चलिए, हम सही से नहीं घुमा पाएंगे तो मेरा पंखा का स्पीड मेरा कम हो जाएगा। विदाउट कैपेसिटर को भी हम पंखा को चला सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा करने से मेरा पंखा वो बेकार होगा, ठीक है। कैपेसिटर लगाएंगे तो कैपेसिटर जनरली सीलिंग फैन में 2.5 का लगता है माइक्रोफैरेड, ठीक है, 2.5 माइक्रोफैरेड का। लेकिन क्या होता है कि सभी का घर में वोल्टेज प्रॉपर नहीं आता है, इस वजह से हो सकता है कि वो लोग कंडेंसर को बदल देते हैं। तो बदल के हम लोग इसकी ज्यादा मान जो होता है 3.5 माइक्रोफैरेड लगा देते हैं, इससे भी मेरा सीलिंग फैन काम करेगा। और सीलिंग फैन का जो कंडेंसर होता है अलग अलग कंपनी भी आता है, ठीक है, उसमें भी आप जानिएगा डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसका बढ़िया होगा, कैपेसिटर आपका वही बढ़िया होगा। जैसे कि जो अल्मीनियम से बने होते थे कंडेंसर, उनका जो मान होता था रियल 2.5 है, तो रियल 2.5 ही रहेगा, और उसका जो सीलिंग फैन का जो स्पीड होता है कंटिन्यूस बनाए रखता है, बढ़िया रहता है, एक्चुअल वो ही है। लेकिन क्या होता है, आजकल मार्केट में बहुत से कंपनी है जो कि अलग अलग कंडेंसर को निकाल दिए हैं। हालांकि पंखा आपका चलेगा सभी से, लेकिन एक अच्छा जो मान होता है हमारा अल्मीनियम का, जिसका डायलेक्ट्रिक बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है, और उसी अल्मीनियम में पहले ऑयल भरे आते थे, वो तो सबसे अच्छा होता था। उसी अल्मीनियम में जो कैपेसिटर में ऑयल डाला हुआ होगा वो सबसे बेटर है, हालांकि उसका आप आना मुश्किल है, मिलता है बहुत कम है मार्केट में, ठीक है। मेरा ये जाने आप लोग, तो चलिए फिर हम दिखाते हैं आप कैपेसिटर को लगाएंगे कैसे। तो कैपेसिटर को क्या करेंगे हम लोग, रनिंग और स्टार्टिंग के दोनों तार से जोड़ देंगे। कैपेसिटर का दो वायर होगा, कैपेसिटर जो मेरा होगा उसके दो वायर होंगे। जो एसी का कैपेसिटर होता है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है, डीसी कैपेसिटर का मतलब है। आप डीसी का कैपेसिटर लीजिएगा ना, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल थोड़ा लंबा होगा, नेगेटिव थोड़ा छोटा होगा, इसी को मान लीजिए पढ़ा सकते हैं। या फिर आप इसका जो रैपिंग पर सरैपिंग क्या होता है डीसी का कैपेसिटर, उसमें लिखा हुआ होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ होता है। एसी में ये समस्या नहीं है, एसी में ये समस्या नहीं, उसी को भी लाके किसी में हम जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा कि मेरा सीलिंग फैन का तो कनेक्शन हो गया, अब यहाँ भी वायर का खत्म, यहाँ भी वायर, लेकिन हमें पंखा को चलाने के लिए एक न्यूट्रल दोनों चाहिए। तो कॉमन में मान लिया जाए कि हम न्यूट्रल देते हैं, कॉमन में मान लिया न्यूट्रल देते, तो फेज देना होगा हमें किसी में, तो फेज देने के लिए जो हमारा टर्मिनल होगा हम लोग रनिंग वाइंडिंग में देंगे फेज। रनिंग वाइंडिंग में क्या देंगे फेज, तो रनिंग वाइंडिंग में फेज दिए, और उस कारण से पंखा का जो स्पीड होता है, घूमने का दिशा होता है, वो हमारा सही होता है, एंटी क्लॉक वाइज घूमेगा, ठीक है, क्लॉक वाइज घूमेगा, ग्लोब वाइज घूमेगा, एंटी क्लॉक वाइज, जिस प्रकार हमको पंखा को घुमाना है उस प्रकार से पंखा का दिशा को सेट कर लेंगे और हमें हवा को बचा,
तो मेरा ये रहा सीलिंग फैन का वार्निंग। चलिए आप यहाँ फिर से दिखा रहे हैं तीनों चीज को। मेरा मशीन दिख रहा हूँ आपके डायग्राम पे, सीलिंग फैन का मशीन, वो मशीन देखने में कैसा होता है, और उसके जस्ट नीचे बगल में दिख रहा होगा आपको वाइंडिंग वायर, ठीक है, उसी के जस्ट नीचे दिख रहा होगा आपको पेपर, ठीक है, और दिख रहा होगा तीन लूप चार लूप कैसे हम लोग निकाले हैं, तो देख रहे होंगे आप लोग, आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, ठीक है। तो मेरा ये वीडियो आज का यहीं तक होगा, मैं कल फिर आपके लिए नया वीडियो लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आई एम सोनू सूद एंड आई सपोर्ट स्किल इंडिया। कौशल भारत, कुशल भारत। भारत के लिए सबसे पहली अगर कोई प्राथमिकता है रोजगार के योग्य नौजवान को तैयार करने के लिए, हमारी आवश्यकता है आईटीआई। मल्टीक्राफ्ट प्राइवेट आईटीआई, गोविंदपुर धनबाद। एडमिशन ओपन। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर। कॉन्टेक्ट नंबर 9431168747।